हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये बिगिनर्स के लिए आर्टिकल है, उन्हें जिन्हें टेंस और पैसिव आता है उनके लिए है। यह है फाइव हेल्ड फॉर एटीएम थेफ्ट्स। जो हेडलाइंस हैं, बार बार कहता हूँ, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है या थर्ड फॉर्म में होगा तो वो पैसिव होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइव हेल्ड, इसका मतलब है पाँच लोगों को पकड़ लिया गया। अगर ये ग्रामर के रूप में देखते तो ऐसा लिखा होता फाइव पीपल वर हेल्ड या फाइव वर हेल्ड, ऐसे होता। बट हेडलाइन में ग्रामर का ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। तो फाइव हेल्ड, पांच लोगों को पकड़ लिया गया, किसके लिए? फॉर एटीएम थेफ्ट्स, यानी कि एटीएम की चोरी के लिए। थेफ्ट मतलब चोरी, इन सिटी, शहर में। फिर यहाँ कॉमा है, लिखा है कि 2 लाख रुपीज़ रिकवर्ड। अभी रिकवर्ड थर्ड फॉर्म है, इसका भी मतलब पैसिव ही है। यानी कि अगर सही मायनों में देखें तो 2 लाख रुपीज़, और यहाँ पर या वाज या वर्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। तो 2 लाख रुपीज़ वाज रिकवर्ड, इस तरीके से देखेंगे। तो इस आर्टिकल में क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ गाइस। गाइस, इसमें आपको सीखने को मिलेगा अबाउट टू का इस्तेमाल, यूज टू का इस्तेमाल, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट क्या होता है, आफ्टर विच का इस्तेमाल, इन मॉर्निंग होगा या ऑन मॉर्निंग होगा, ऑन इंस्टेंस क्या होता है, क्लेम टू हैव का इस्तेमाल, फ्रॉम पोजेशन का इस्तेमाल, और वाइल के जो दो इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा गाइस। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है एक्यूज्ड यूज टू स्प्रे पेंट ऑन सीसीटीवीज। एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी हैं, यूज टू मतलब ऐसा किया करते थे, क्या करते थे, पेंट को स्प्रे कर देते थे, स्प्रे करते थे सीसीटीवी पर ताकि वो कुछ दिख ना पाए। अब देखिए, फाइव मैन हैव बीन अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, किस लिए? फॉर देयर अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन केस ऑफ एटीएम थेफ्ट्स इन एनसीआर, द पुलिस सेड ऑन संडे। तो पुलिस ने कहा है संडे को, क्या कहा है कि पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैव बीन, हैज बीन के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे तो मोस्टली वो पैसिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, मतलब काम हो चुका है। फॉर देयर अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट, अभी भी बीच में अलीज्ड डाल देते हैं कि ऐसा बयान आया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इन्वॉल्वमेंट था उनका किस केस में? एटीएम के थेफ्ट्स में। एटीएम थेफ्ट मतलब एटीएम की चोरी के केस में उनका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। कहाँ पर था? इन एनसीआर। तो एनसीआर में जितने भी एटीएम के थेफ्ट्स हुए थे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, ऐसा पुलिस ने कहा। तो इसमें कुछ भी सिखाने लायक नहीं है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ है कि द एक्यूज्ड वर नैब्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है कि पास्ट में किसी काम को किया गया। द एक्यूज्ड वर नैब्ड, नैब मतलब होता है दबोच लेना, पकड़ लेना। तो उन आरोपियों को पकड़ लिया गया कहाँ से? फ्रॉम साउथ दिल्लीज मैदान गढ़ी, यानी कि साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी से पकड़ लिया गया। वेन देवर अबाउट टू टारगेट, वेन मतलब है जब, देवर अबाउट टू, यहाँ वर के साथ अबाउट टू का मतलब है कि वो करने वाले थे। देवर अबाउट टू टारगेट एन एटीएम, यानी कि जब वो एक एटीएम को टारगेट करने वाले थे तभी उन्हें वहाँ से पकड़ लिया गया। अब मैं आपको अबाउट टू सिखाऊंगा, थोड़ा और देखते हैं। द गैंग यूज टू स्प्रे पेंट ऑन सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एटीएम बूथ्स टू अवॉइड डिटेंशन, द पुलिस सेड। इतना बड़ा आपका सेंटेंस है कि द गैंग यूज टू स्प्रे, ये यूज टू का इस्तेमाल है कि ऐसा किया करते थे, स्प्रे किया करते थे पेंट को, कहाँ पर? ऑन सीसीटीवीज, जितने भी सीसीटीवीज थे उन पर। यहाँ पर देख रहे हैं इंस्टॉल्ड, ये थर्ड फॉर्म में है। कौन से सीसीटीवीज? जो कि इंस्टॉल्ड थे, यानी कि पहले से लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जो पहले से कोई काम हुआ पड़ा होता है उसे हम थर्ड फॉर्म में दिखाते हैं, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो सीसीटीवी इंस्टॉल्ड था कहाँ? बोथ, दोनों जगह, इनसाइड एंड आउटसाइड, इसे हम बोथ एंड का इस्तेमाल कहते हैं, मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो इनसाइड और आउटसाइड इंस्टॉल्ड थे, तो किस लिए वो पेंट करते थे? टू अवॉइड, बचने के लिए, टू अवॉइड डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब है, सॉरी डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब है कि वो डिटेक्ट ना हो जाए, डिटेक्ट का मतलब कि लोग सीसीटीवी में वो कहीं पकड़े ना जाए, पता ना चल जाए, डिटेक्शन ना हो जाए, मैंने इसको शायद डिटेंशन पढ़ दिया होगा। तो डिटेक्शन से बचने के लिए वो पेंट किया करते थे। अब मैं आपको सिखाता हूँ अबाउट टू का इस्तेमाल, इसके अंदर यूज टू का इस्तेमाल और बोथ एंड का इस्तेमाल, सीखते हैं गाइस।
देखिए अबाउट टू, जो लोग बिल्कुल नए लोग हैं उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। अबाउट टू आप तब लगाएंगे, इसका मतलब है कुछ भी करने वाला, या तो कोई जैसे आप बोल मैं कुछ करने वाला हूँ या कुछ करने वाला था, तो आप अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। ये अबाउट का मतलब बारे में नहीं है, वो अलग होता है। इसको आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैं आई बोलूँ, आई के साथ आप एम लगाइए, यहाँ बोलिए अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो, इसका मतलब है कि मैं जाने वाला हूँ, मैं गया नहीं हूँ लेकिन जाने वाला हूँ, ऐसी मेरी प्लानिंग है, मैं जाऊँगा। तो जब भी आप अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट जो भी होगा, प्रेजेंट में एम इज आर इसका इस्तेमाल कीजिए, पास्ट रहेगा तो वाज या वर का इस्तेमाल होगा, फिर आपको लगाना होता है अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि वो टारगेट करने वाले थे, तो दे के साथ हमें वर लगाना होगा पास्ट में, दे वर अबाउट टू टारगेट, ऐसे बोल सकते हैं आप। ओके, वह आने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू कम, तो ये होता है आपका अबाउट टू। अब देखते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू जो आपको दिखाई देगा, एक बार तो आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि इज आर एम के साथ भी दिखाई दे सकता है, बट मैं आपको बिना हेल्पिंग वर्ब वाला सिखाता हूँ। अगर आपको ऐसे दिखाई दे सब्जेक्ट और डायरेक्ट यहाँ पर हो यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि किसी भी काम को आप किया करते थे। जैसे अगर बोलूँ कि आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, यूज टू का मतलब ऐसा मैं किया करता था, अब नहीं करता हूं बट मैं किया करता था। ओके, मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल, आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू। अब इसी में अगर आप बी लगा देंगे, यूज्ड टू में ही बी लगा देंगे, जैसे यूज्ड, जब सीख ही रहे हैं तो इत्मीनान से सीखें, यूज्ड टू बी इसका मतलब कोई भी आप कुछ भी हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, जैसे आई यूज्ड टू बी हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हुआ करता था, अब नहीं हूँ मैं हुआ करता था। ओके, वह एक अच्छा लड़का हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी अ गुड बॉय। तो आप भी ऐसा कह सकते कि मैं डांसर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ डांसर, मैं एक बॉक्सर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ बॉक्सर। तो ये तो आपका पास्ट का हो गया। अगर आपको यूज टू ऐसे दिखाई देने लगे, एम इज आर और इसके साथ यूज्ड हो, पूरा यूज्ड टू हो, तो इसके बाद या तो नाउन आता है, नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम, या वर्ब में आई एन जी आता है एक्शन, ये, और यहाँ कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट तो होगा ही, आई वी यू दे ही शी इट कुछ भी, इसका मतलब है कि आदत है, प्रेजेंट में आदत है या आप किसी चीज़ के आदी हैं। अब मैं बोलूँ यार मुझे चाय पीने की आदत है, तो मैं कह सकता हूँ कि आई, आई के साथ एम लगाइए और यहाँ यूज्ड लगाइए, आई एम यूज्ड टू। अब टू बोलने के बाद अगर पीना खाना है तो भैया आई एन जी लगाना पड़ेगा, तो आई एम यूज टू टेकिंग टी, टेक में आई एन जी लगाइए, आई एम यूज टू टेकिंग टी, इसका मतलब कि मुझे आदी है, एकदम आदत है मुझे। आप इसे लत नहीं बोलेंगे, लत गंदी चीज़ों का होता है जिसके अंदर आपको फिर एडिक्टेड का इस्तेमाल करना होगा, तो आप एडिक्टेड को ज़्यादा ही हो जाता है, आप लत समझ रहे हैं ना कि एकदम उसके बगैर रह नहीं पाए, तो वो फिर एडिक्टेड आप लगाएंगे, किसी भी चीज़ की लत लग सकती है। खैर, उसे उसे बोलने की आदत है, तो शी इज यूज्ड टू टेलिंग, स्पीकिंग बात करने की आदत है, टॉकिंग, टेलिंग के बाद तो कुछ चीज़ बोलना पड़ता है, उसे टेलिंग स्टोरीज, स्टोरी बोलने की आदत है तो टेलिंग स्टोरीज, झूठ बोलने की आदत है तो टेलिंग अ लाई, वैसे उसके बोलने की आदत है, शी इज़ यूज टू स्पीकिंग अलॉट कह सकते हैं, उसे बात करने की आदत है, शी इज़ यूज टू टॉकिंग, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, ये हो गया आपका। अब है बोथ
और इसके साथ एंड का इस्तेमाल। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसा होता है कि आपने बोला आई एम बोथ, जैसे आप बोलेंगे आई एम बोथ या ही इज बोथ शी इज बोथ, फिर आपको यहाँ डैश एक बंदे मतलब जो भी वो है यहाँ पर एंड और फिर यहाँ डैश ये लगाना होगा। ये आपका फॉर्मेट है। कैसे? आई एम बोथ, जैसे आपने बोला कि और टीचर और यहाँ एंड लगाया और यहाँ बोल दिया और पॉलिटिशियन। मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉलिटिशियन, यानी कि मैं दोनों हूँ, आई एम बोथ, मैं दोनों हूँ, एक टीचर भी हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ। ऐसे बोथ का इस्तेमाल होता है, बोथ एंड। तो यहाँ बोथ है और यहाँ एंड है आपका। ओके, शी इज बोथ, शी इज बोथ माई वाइफ एंड माई फ्रेंड, ऐसे कह सकते हैं। तो ये है, बस आगे देखते हैं गाइस। सो ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ सेप्टेम्बर 14 एंड 15, ये ऑन द इंटरवेनिंग का अभी मैं सिखाऊंगा इसका मतलब। इसका मतलब है कि 14 और 15 रात की बात है, उसके बीच की बात है। द फाइव मैन रॉब्ड 28.89 लाख आफ्टर कटिंग ओपन एन ATM इन असोला यूजिंग गैस कटर। यहाँ तक क्लियर है? तो 14-15 की आधी रात की बात है। द फाइव मैन, पांच लोग थे, रॉब्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है आपका, उन्होंने लूट लिया 28.89 लाख रुपीज़, इतना लूट लिया। कैसे? आफ्टर कटिंग ओपन, कट ओपन का मतलब होता है काट कर खोलना, ब्रेक ओपन का मतलब होता है तोड़ कर खोलना। तो याद रखिएगा, कट ओपन ब्रेक ओपन का इस्तेमाल करते हैं। तो आफ्टर कटिंग ओपन, काट कर खोल दिया ATM को, कहाँ पर? असोला में। कैसे, क्या यूज़ करके? तो यूजिंग गैस कटर, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इस्तेमाल करके, यूजिंग गैस कटर। अ ट्रैप वॉज लेड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि एक जाल बिछाया गया। आफ्टर विच, जिसके बाद, अली आमिर एंड हुसैन वर नैब्ड, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैप मतलब दबोच लिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग में, आफ्टर अ ब्रीफ चेस, ब्रीफ चेस का मतलब है छोटे से चेस के बाद, पीछा के बाद, तो पीछा किया फिर पकड़ लिया। सेड DCP अतुल कुमार ठाकुर, तो DCP ने कहा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन देयर इंस्टेंस, अब जो लोग पकड़े गए उनके कहने पर, उनके इंस्टेंस पे, अभी मैं सिखाऊंगा। शमशाद एंड वसीम वर हेल्ड, इन दोनों को भी पकड़ लिया गया। तो अब इसके अंदर क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा? तो इसमें सीखेंगे ऑन द इंटरवेनिंग नाइट, आफ्टर विच का इस्तेमाल, और ऑन द इंस्टेंट का इस्तेमाल। गाइस देखते हैं, गाइस देखिए, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट, इंटरवेनिंग नाइट, अब इसका क्या मतलब होगा? ऑन द इंटरवेनिंग नाइट, देखिए, अगर 6 तारीख है, मान लीजिए 6 सितंबर है, 6 तारीख है, अभी 6 तारीख है, अब जैसे रात के 12 बजते हैं, तो 12 बजने के बाद तो डेट बदल जाता है ना, तो ये 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन अब तक सुबह तो नहीं हुई है, तो कहने का मतलब कि बंदा तो 6 तारीख की रात में ही है, लेकिन वो डेट तो बदल चुका है, 7 हो गया है। तो 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, आधी रात है। एक तरीके से देखें तो 6 सितंबर ही है, लेकिन अगर वैसे देखें तो 12 बजे के बाद तो डेट बदल गया। तो अगर इस 6 सितंबर को किसी बंदे ने रात को 12 बजे के बाद, जब डेट बदल गया हो, उसने कुछ काम कर लिया, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कुछ भी हुआ, तो ना ये 6 तारीख की रहा ना 7 तारीख की रहा, वैसे तो डेट बदल गया है। तो फिर यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि ऑन द इंटरवेनिंग, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट, यहाँ ऑफ लगाइए, ऑफ सेप्टेम्बर 6 एंड 7, ऐसे करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ऑन द, यहाँ भी लिखा है ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ सेप्टेम्बर 14 एंड 15, यानी कि ना तो 14 ही सितंबर था ना 15 ही सही से हुआ था, वो बीच में था, तो आधी रात कह लीजिए इसको। तो ऑन द इंटरवेनिंग का मतलब एक ही है कि एक ये जो डेट होगा, एक डेट ये होगा और एक यहाँ पर डेट होगा, और उसके बाद यहाँ, अब ये कम से कम 12 से इधर होने चाहिए, या तो 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, ऐसे
मतलब 2-3 बजे, 1 से 3 बजे तक तो मान लीजिए, 4 बजे तो वैसे भी लोग उठ जाते हैं, तो ऐसे समय में अगर कुछ हो, जैसे चोर कुछ भी चुराते हैं, तो ऐसे 2 या 3 बजे जाते हैं जब सबकी नींद, सब नींद में होते, सब सो रहे होते, तो वो ऑन द इंटरवेनिंग नाइट होता है, यानी कि वो 7 तारीख है, और अगर उन्होंने रात को 2 बजे कुछ किया तो 8 तारीख भी हो गया, तो ना वो 7 रहा ना 8 रहा, तो ऑन द इंटरवेनिंग नाइट बोलना पड़ेगा कि इसकी, और इसकी मतलब अभी सुबह भी नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 7th एंड 8th, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 9th सेप्टेम्बर एंड 10th सेप्टेम्बर, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये था आपका ऑन द इंटरवेनिंग नाइट। अब इसके बाद सीखते हैं आफ्टर विच का इस्तेमाल, कई बार मैं समझा चुका हूँ। आफ्टर विच, आफ्टर विच का मतलब होता है जिसके बाद, एक होता है आफ्टर दैट उसके बाद, ये होता है जिसके बाद। सिंपल है, एक सेंटेंस होगा, बीच में लगाइए आप आफ्टर विच, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस लगा दीजिए। तो इसमें पहले कोई काम होगा और उसके बाद यहाँ कोई एक्टिविटी होगी। जैसे कि अगर बोलूँ कि शी अब्यूज्ड मी, शी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, एक सेंटेंस। आफ्टर विच, जिसके बाद, टू विच आई गॉट एंग्री, मैं गुस्से में आ गया, बस हो गया ही आफ्टर विच का इस्तेमाल। ओके, ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, वो मुझे डांटने लगा, जिसके बाद, आफ्टर विच आई वेंट अवे फ्रॉम देयर, मैं वहां से चला गया, आई वेंट अवे फ्रॉम देयर। तो आफ्टर विच जब भी आप लगाएंगे तो पहले एक सेंटेंस होगा और आफ्टर विच के बाद फिर एक रिजल्ट होगा कि हुआ क्या, उसके जिसके बाद हुआ क्या। तो दिस इज आफ्टर विच। अब है ऑन द इंस्टेंस। एक्चुअली ग्रामर इसको एट कहता है, बट कई लोग ऑन लगा देते हैं। ये होता है एट द इंस्टेंस ऑफ, इतना बड़ा ये एक फ्रेज है आपका, या एट किसी का भी, या वंस कर देता हूँ, एट वंस इंस्टेंस। तो कहने का मतलब कि किसी के कहने पर, कहने पर। अब यहाँ जो कहना है ये ऑर्डर भी हो सकता है, हो सकता है किसी ने एडवाइस दिया हो सकता है किसी ने आपको सजेस्ट किया हो सकता है किसी ने आपको भड़काया हो, इंस्टिगेट किया हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने अगर कोई काम किया तो उसका वजह कोई है, किसी के कहने पर। तो एट फलाना इंस्टेंस, या एट द इंस्टेंस ऑफ समवन, ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि बोलो कि एट योर इंस्टेंस, एट योर इंस्टेंस, तुम्हारे कहने पर, माई फादर स्कॉल्डेड मी, मेरे पापा ने मुझे डांटा। तो या तो तुमने भड़काया होगा, या कुछ तो कहा होगा कि मेरे पापा ने मुझे डांटा, तो वजह तो तुम हो भैया, तुमने ही कुछ कहा है, एट योर इंस्टेंस। तो ये होता है। तो न्यूज़पेपर में जब भी आप क्राइम वाला सीन देखेंगे, उसमें ज़्यादा दिखाई देता है कि जो पकड़ा गया उसने कह दिया। तो कह सकते हैं कि एट द, मैं एट ज़्यादा लगाता हूँ, आप ऑन भी लगा सकते हैं। तो एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपी के कहने पे, उसके ऑर्डर पे, भड़काने पे, उसके सजेशन पे, द पुलिस अरेस्टेड अरेस्टेड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को, फ्रेंड्स अकम्प्लिस कहना ज़्यादा अच्छा है, जो ऐसे दोस्त जो गुनाह में काम करते हैं उन्हें अकम्प्लिस कहते हैं। तो अरेस्टेड हिज अकम्प्लिस, तो ये होता है ऑन द इंस्टेंस ऑफ। देखिए क्लेम टू हैव, यहाँ पर तो क्लेम्ड का इस्तेमाल किया गया, क्लेम्ड टू हैव। अगर पास्ट है तो क्लेम्ड, प्रेजेंट है तो क्लेम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ही शीट के लिए तो क्लेम्स, क्लेमिंग वगैरह लोग नहीं बोलते हैं, इतना इस्तेमाल होता है। टू हैव क्यों लगा, उस पर काम करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि पुलिस हैव क्लेम्ड, पुलिस ने दावा किया है दैट दे हैव रिकवर्ड 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। इतना बड़ा सेंटेंस है, हालांकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं भी बनाऊँ, सीधा लिख दूँ पुलिस क्लेम्ड, यानी कि पास्ट में दावा किया था,
दैट दे हैव रिकवर्ड 2 लाख रुपीज़। तो एक सेंटेंस तो ये हो गया, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट हो, यानी कि उन्होंने दावा किया है या किया था। अब यहाँ दैट से एक सेंटेंस जुड़ा है कि दैट दे हैव रिकवर्ड, उन्होंने बरामद कर लिया है 2 लाख रुपए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ऐसे होगा कि पुलिस, अगर मैं इसे पास्ट ही रहने दूँ जैसे न्यूज़पेपर वालों ने किया, तो पुलिस क्लेम्ड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ टू हैव लगाइए, पुलिस क्लेम्ड टू हैव। अब टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, टू हैव रिकवर्ड, यहाँ बोल दीजिए 2 लाख रुपीज़, 2 लाख, ऐसे हो जाएगा। जैसे उस लड़की ने ऐसा क्लेम किया कि उसने किसी का खून किया है, तो दैट गर्ल क्लेम्ड, पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने ऐसा क्लेम किया, तो यहाँ टू हैव लगाई, क्लेम्ड टू हैव किल्ड समवन, किल्ड समवन, ऐसे हम क्लेम्ड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आपको सिखाता हूँ फ्रॉम डैश पोजेशन, यहाँ डैश का मतलब वंस कर दीजिए, माय योर हिज ऐसे करके होगा, या आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी के पास से, पास से मतलब कि किसी के पास मोबाइल है, कुछ भी है, तो उसके पास और भी आइटम होंगे, तो उसके पास से मैंने ये बरामद किया। मान लीजिए यहाँ एक लड़की है और इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई, इसके पास से एक बाइक बरामद हुई, मोबाइल बरामद हुआ, जो भी हुआ, मान लीजिए इन्वॉल्व है थेफ्ट केसेस में, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं किसी के पास से। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अ कार, अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव लगाइए, कार वॉज, या प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हैज़ बिन लगा सकते हैं, अ कार वॉज रिकवर्ड, रिकवर्ड, उसके बाद आपको फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम हर पोजिशन। तो हर पोजिशन का मतलब है कोई लड़की की बात कर रहे कि उसके पास से, किसी औरत की बात हो रही, उसके पास से एक कार को बरामद किया गया, या अ मोबाइल, अ मोबाइल वॉज रिकवर्ड, एक मोबाइल को रिकवर किया गया फ्रॉम हिज पोजिशन, यानी कि उसके पास से, फ्रॉम योर पोजिशन, तुम्हारे पास से, फ्रॉम माय पोजिशन, मेरे पास से, ये होता है फ्रॉम पोजिशन। बस ख़त्म ये वीडियो। अब मैं आपको वाइल सिखाता हूँ, वाइल के दो इस्तेमाल तो हमेशा आपको दिखाई देंगे। इसमें जो इस्तेमाल हुआ है, इस वाइल को हम जबकि कहते हैं, जबकि, कैसे इस्तेमाल हुआ है, जैसे एक सेंटेंस है कि आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे चाटा मारा, कॉमा, वाइल माई फ्रेंड थ्रैश्ड हिम, थ्रैश्ड हिम। अब देख रहे हैं दो अलग बातें हैं, आई स्लैप्ड हिम एक सेंटेंस कि मैंने उसे चाटा मारा, जबकि जबकि माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने थ्रैश्ड हिम, उसे बिल्कुल बुरी तरह पीट दिया। अब ऐसे करके बात करेंगे, जैसे इसमें एक सेंटेंस है, आपने देखा होगा कि अली वॉज इन्वॉल्व्ड इन 11 केसेस, और फिर यहाँ कॉमा दिया, यहाँ लिखा है वाइल, जबकि हुसैन एंड आमिर इन 2 केसेस, यानी कि अली तो 11 केसेस में इन्वॉल्व था, जबकि हुसैन और जो आमिर थे वो सिर्फ 2 केसेस में इन्वॉल्व थे। तो देख रहे हैं कैसे दिखाते हैं, ऐसे कंट्रास्ट होना चाहिए। मुझे 100 रुपये दिए गए, आई वॉज गिवन 100 रुपीज़, यहाँ कर देता हूँ 100 रुपीज़, जबकि वाइल तुम्हें 500 रुपये दिए गए, यू वर गिवन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, यू वर गिवन 500 रुपीज़, तो ये आपका हो गया। और दूसरा जो वाइल होता है वो आपको हमेशा ऐसे दिखाई देगा, वाइल के साथ वर्ब में ing दिखाई देगा, इसका मतलब है कोई भी काम करते समय, करते वक्त, जैसे खाते समय वाइल ईटिंग, आप सेंटेंस बोल सकते हो कि खाते समय वाइल ईटिंग मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, तुमसे बात करते समय वाइल टॉकिंग, वाइल टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करते समय मैं खाना खा रहा था,
I was eating food. तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है. तो बस गाइज आज के लिए इतना ही. जो बिगनर्स हैं समझ गए होंगे. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. इसका एक स्नैपशॉट मैं आपको दे दूंगा, ले लीजिएगा, ताकि आप इसे भी पढ़ के और ख़ुद भी ट्रांसलेट कर सके. ओके गाइज, थैंक यू.